हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलमी बर्ड्स वायरलेस 3 को कंपेयर करने वाला हूं ओप्पो इनको M32 के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों नेकबैंड में से कौन सा आपको जो है वो परचेस करना चाहिए। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 से। तो इसमें आपको 13.6 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है 30 डेसिबल के एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ। एंड ओप्पो इनको M32 में आपको 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है जिसमें आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं देखने को मिलेगा। Realme Buds Wireless 3 में डायनेमिक बेस एल्गोरिथम मिलता है, एंड ओप्पो इनको M32 में आपको इंडिपेंडेंट बेस चेंबर मिल जाएगा। यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 में 360 स्पेशल ऑडियो इफेक्ट मिलता है जो ओप्पो इनको M32 में नहीं देखने को मिलेगा। Realme Buds Wireless 3 में आपको 40 आवर का टोटल बैकअप मिलता है, एंड ओप्पो इनको M32 में 28 आवर का टोटल बैकअप। 10 मिनट चार्ज करने पे Realme Buds Wireless 3 जो है वो आपको 25 आवर का बैकअप देगा, एंड ओप्पो इनको M32 जो है वो 20 आवर का। दोनों ही में आपको डुअल डिवाइस कनेक्शन देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन आपको दोनों में मिलता है, IP55 का वाटर रेटिंग आपको दोनों में मिलता है। एंड यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 में आपको 45 ms सुपर लो लेटेंसी मिलता है, एंड ओप्पो इनको M32 में आपको ये चीज़ नहीं दिया गया है। दोनों ही में आपको गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है इंस्टेंट कनेक्शन के साथ, एंड ब्लूटूथ वर्जन जो है वो आपको Realme Buds Wireless 3 में ब्लूटूथ 5.3 देखने को मिलेगा, एंड ओप्पो इनको M32 में आपको ब्लूटूथ 5.0। यहाँ पे Realme Buds Wireless 3 में Realme Link ऐप का सपोर्ट मिलता है, एंड ओप्पो इनको M32 में आपको ये चीज़ नहीं दिया गया है। Realme Buds Wireless 3 में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एंड ओप्पो इनको M32 में आपको 2 कलर ऑप्शन। प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों का, 1799 रुपीज़। तो गाइज़, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने के बाद Realme Buds Wireless 3 जो है इसमें आपको काफ़ी कुछ जो है वो एक्स्ट्रा हार्डवेयर दिए गए हैं और एक्स्ट्रा फीचर दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आपको 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है, एंड यहाँ पे आपको ओप्पो इनको M32 में कोई भी एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं दिया गया है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे मिलता है आपको स्पेशल ऑडियो का, 360 स्पेशल ऑडियो इफेक्ट आपको Realme Buds Wireless 3 में मिलता है जो आपको ओप्पो इनको M32 में नहीं देखने को मिलता है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस इसके लेटेंसी में है, ओप्पो इनको M32 में आपको कोई भी लेटेंसी वगैरह का जो है वो नहीं दिया गया है, लेकिन Realme Buds Wireless 3 में आपको 45 ms का सुपर लो लेटेंसी दिया गया है। सो गाइस, प्राइस दोनों का सेम है, बट इन दोनों में से कोई एक नेकबैंड अगर आपको परचेस करना है तो आपको Realme Buds Wireless 3 परचेस करना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।